आपके बीच में अपनी अपनी गीत को प्रस्तुत किए। एक गुरु दरबार है और आज पूरे जहान में गुरु की पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है और मैं अपने परम पूज्य गुरु विश्वनाथ, गुरु भोला कवि, तमाम जो लोग बैठे हैं, किस जुबान से तारीफ करूं वो कम है, लेकिन ये कहना चाहूंगा, थोड़ा आवाज तब्दील हो गई है, दिन में कार्यक्रम था लेकिन हमारे कवि जी की ममता थी, अगले साल हम नहीं आ पाए और हम बहुत आशा और उम्मीद लेकर के दरबार में आए, लेकिन कहना चाहूंगा बारे देसी बाबा हुए हैं। आज जितने बच्चे जितने कलाकार दरबार में गाए हैं, मैं हर कलाकारों में, हर नए नए लड़कों में देखा है कि हर कलाकारों में हमारे विश्वनाथ गुरु जी की कहीं न कहीं कुछ न कुछ झलक जरूर हमको मिली, कहीं पापट में मिली तो कहीं पंधारी में मिली और कहीं जला धान रोके धनिया। ये सच्चा दरबार है, जौहरी हीरा को परख लेता है वो कहीं भी हो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस दरबार के लिए, अपने गुरु जी के लिए, कर्म है महान कवि हमारे भोला गुरु जी बैठे हुए हैं, हम सब लोगों के लिए कह रहे हैं, ए मसरूफ है करम है आज तक बिगड़ी बनाने में, स्वामी देखा नहीं हमने कोई ऐसा जमाने में। अनमोल कर दिया, मशरूफ है करम है आज तक बिगड़ी बनाने में, स्वामी देखा नहीं हमने कोई ऐसा जमाने में, दिल के दर्द कोई आज तक खाली नहीं लौटा, सुख
खून एक कल्ब मिलता है स्वामी के आस्तानी में। जहाँ पे शम्मा जलती है, जहाँ पे शम्मा जलती है वही परवाने आते हैं। और हम गीत का गाँव चुकले लेनी है, मैं समझाव जाते सब। जहाँ पे शम्मा जलती है वही परवाने आते हैं। गुरु के दर पे हम क्या करोड़ों दीवाने आते हैं। तो गुरु जी पकड़ ली है हमने जाली तुम्हारे आस्ताने की, हमें फिर क्या जरूरत है कहीं पर जाने आने की। तो कर तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा, भोली को मेरे तेरे सिवा कौन भरेगा। ये खाली झोली है मगर मेरे गुरु के कोई इस झोली को भरने वाला नहीं है। इसलिए कहना चाहूंगा जागलाइन फारसी में कहता है, रोका भैया झोली होता है। खुदा खुद मेरे मजलिस, ये फारसी का कलाम है। मोहब्बत वो खजाना है कभी ये कम नहीं होता, मोहब्बत वो खजाना है कभी ये कम नहीं होता। ये दौलत जिसको मिलती है उसे कुछ कम नहीं होता। खुदा खुद मीरे मजलिस, फारसी का कलाम है। ये देखे तमाम पुरस्कार की कंपनियों में गुथा हुआ ये हार, ये आप लोगों का मुझे आशीर्वाद है। मैं कोई कलाकार नहीं हूं, मैं बस आप लोगों का एक सेवक गुलाम हूं। इसलिए कहूंगा खुदा खुद मेरे मजलिस बूंद अंदर नामक खुशबू, मुहम्मद सम्म महफिल कूद सब जाए के मंगूदम। बाबा नदारम दर्जहा दिद तू हबीबम या रसूल अल्लाह, गरीबम दे नवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। तो बड़े मुश्किल में हो तुझको पुकारा या रसूल अल्लाह, वही पढ़कर मुझे दे दो सहारा या रसूल अल्लाह। न मरना याद आता है न जीना याद आता है, न मरना याद आता है न जीना याद आता है। कसम अल्लाह की मुझको मदीना याद आता है। नया दौर थोड़ा सा कवि जी की दवा में चल रहे हैं। जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों तैयार है। किसी ने कहा है मजनू तुझे अल्लाह बुलाता है। मजनू पगलाई जल लड़का अपने मतारी बाप कहो अजमन लैला के पीछे दीवाना हो गई। एक दिन दुपहरिया का टाइम लग पतरही बाजार में नबी बैठक और इधर कुल बहुतियों पखवाड़ा कर ले तो बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ले, दिनवा में लमटेन लेके घूमा था। भैया भैया बहुत पुरस्कार बार बार आशीर्वाद छोटे मुल्ला की। अब सच्चाई बताओ थे गुरु जी, अपन बात सफेद कपड़ा पहले दाढ़ी नहीं रख ले पूरा और लमटेन लेके दिनवा में बाढ़ के पतरही में पीछे उत्तर पटरी वाली पकड़ के जात है। हम देखे तो हम कभी क्या कैसा दौरत है तो था हार मजनुआ। अल्लाह की रहमत से एक ही लड़का दिया था, नहलवा के पीछे दीवाना हो गया, पागल हो गया। हम कभी हो लिखे के पड़े वाहनत मिश्रा लिखे, किसी ने कहा है मजनू बाबा बुझे अल्लाह बुलाता है।
कहा क्या मुझको देखना चाहता है। जरूरत हो तो लैला बन के आ जाए। एक लाइन मौल हाजी का, अरे वो थवकल लिया सुंदर विराह सुनला भैया केशव भैया स्वयं से विराह कई बार होले। आई सच्चाई वाकई है कि केशव भाई के पास जितनी जबरदस्त विराह है वो कुल है इनके पास। कारण यह है ना कि कभी कभी लड़ा देना ना, तो जब लड़ा देना तो कितना देरी का पसीना छूटने लगा ना। और एक थे हमारे गुरु जी के अखाड़े में एक फुलंदर गवैया हुआ खजड़ी वाला, रोगे हुए नहीं तो उनका रोग नहीं छोड़ाई थे छड़ा देना। अच्छा तो गुरु जी बुरा न मानिया, ऐसा कलाकार ना हो के चाहिए जब खजड़ी वाला हुआ। अरे नाही भैया हीरा लाल जख्मी ना फुलंदर जख्मी ना पचकमी होंगे कई थे है उनके में हो छोड़ा सबकर बात। सच्चाई सच्चाई दबती नहीं कहीं। हाँ सम्राट का खिताब सबको नहीं मिलता। सम्राट जैसे आप लोग कह रहे कि अल्लाह का सम्राट मोहम्मद हनीफ रहे, तो वहां कई रहल दिल्ली कलकत्ता बंबई अपने बचपना में बाबूजी के साथ घूमल रहे। तमाम अल्लाह के गीत के लोग कलाकार मिलने लेकिन पर उनके जैसा ना मिलने। कभी कभी उनका धुन जब गा देला कभी जी ना तो हमसे तो गवाह भी ना करत लेकिन हम रोवा लगेला चौकी पर खड़ा होकर। ये नहीं कि वो सारी चीजें दिमाग में नाच डाले लेकिन दो लाइन का खाली बानगी बस उन्हीं वाला ही सुना दे आज भैया मान जइबा अब बतिया हम अरे सताए तरैया बाबू नारे मन फूले सदा नाही दुनिया में सवनवा बाबू हो आज गुरु पूर्णिमा बाटी न भारत में जगह जगह गुरु जी के पूजवा होला राम अरे चौबे पुर बगलिया में विश्वनाथ गुरु जी के सुंदर दरबार में पूजनिया होले राम अरे बड़ा बड़ा गायक के दर वजवा भोला कभी झूमत चली ये न मर राम अरे देख लेना सूरतिया रहली भोला गुरु आज गुरु जी के होई गई न होती दान अरे ये है
बयानवा कवि जी गाई मोरे राम, अरे सुंदर हो जवानवा अब दुनियावा से गई ले, खाली ये कीर्तिया रही गई मोरे राम, अरे यही थी यही तेरे विश्वनाथ गुरु दुनिया से ली गई है, खाली हो कीर्तिया रही जय है मोरे राम, अरे बांधल ये कछरिया सिया राम गुरु जी के, मथवा पधई के जग में लिहा हो बचाए, अरे सच्ची सेवकाई है बाकी गुरुवर के। क्या सुनाई कभी जी एक भरी बात है, सब जितने हो जाए उतनी लहकत है, लेकिन ये दो लाइन खाली एक गीत सुना देते तो समाप्त कर देती, तमाम शिष्य लोग हो गई है ना, समय ना है। सही है बा, हर वतन से निराला है भारत वतन, भाल हिंद गिर गले गंगा यमुना लसे, शिव के त्रिशूल पर काशी नगरी बसी, भोले भगवान कैलाश ऊपर बसे, प्रभु आज बेचैन है, बारों के सैया पर महारथी महाभारत के भीष्म दादा लेटे हुए हैं, कई रात बीत गया प्राण पखेरू इस दन छोड़ करके नहीं जा रहा है, अर्धरात्रि की बेला में मुरली मनोहर घनश्याम कुंवर का भैया पहुंच जाते हैं, बैठ गए, पूछने लगे कि दादा ये प्राण मुक्त क्यों नहीं हो रहा, इतनी का जब भीष्म दादा सुनते हैं तो कह रहे हैं, भीष्म जब तक खुले अनजान, साल हजारों बीत जाए ना निकले तन से प्राण, भीष्म दादा कहने लगे कि ऐ कृष्ण मैंने कुछ ऐसा ख्वाब देखा है, मुझे ख्वाब में कुछ ऐसी बसारत हुई, स्वप्न में बसारत हुई है कि जब तक उसका भेद नहीं खुलेगा तब तक ये प्राण इस पिंजरे को छोड़ करके नहीं जाएगा। वाह, भगवान कृष्ण पूछना शुरू कर देते हैं कि दादा वो कौन सा ऐसा स्वप्न है जिसे आप देख करके विचित्त हैं और ये रूह ये प्राण नहीं निकल रहा है। सारी कजरी का तंद्र बजाना होगा, सारी कजरी वाली तर्ज है आप लोगों के उस जमाने के, रसिया बिंदा बन के बंसी आज बजाना होगा, सारा भेद बताना होगा, Thank you.
हमारे रामू भाई बहुत सुंदर एक पुरस्कार रहा। वही एक क्यों बीते हुए लम्हों की मुझे तुम याद दिलाने आए हो, जो आग मुझे एक उम्र हुई हो आग लगाने आए हो। जब प्यार के हम काबिल न रहे उस वक्त तुम्हें हम याद आए, जब प्यार के हम काबिल न रहे उस वक्त तुम्हें हम याद आए। अरे जब साजे ही दिल का टूट गया तुम गीत सुनाने आए हो। वाह वाह वाह। उस समय वो दिन सब याद आते हैं। ये तमाम आप लोगों का प्रेम सने पुरस्कार रहा, मालिक जिंदगी में चार चांद लगा दे। लेकिन कह रहे हैं किशन दादा, तेरसिया बिंदा बन के बंसिया के बजाना होगा, सारा भेद बताना हो जाना। शादी एक गजब की देखा भैया कुंवर कन्हाई, सास नहीं दूल्हा दुल्हन की, अरे बाज रही सहनाई सवरिया। चौथे प्रश्न की बात भीषम दादा
बता रहे कृष्ण जी से एक जोगन के मान में, एक जोगन के मान में एक जोगी भरा सिंदूर, एक जोगन के मान में एक जोगी भरा सिंदूर, और पांच पति गण के सेठ पर देखा शाम जरूर सवरिया। एक जोगन के मांग में एक जोगी भरा सिंदूर, पांच पति गणने के सेज पर देखा शाम जरूर। तो बच्चा पांच बाप का अलग अलग अलगाना होगा, तारा भेद बताना होगा। ¡Gracias!